हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। यू वॉचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील एंड वी आर बैक वंस अगेन। और आज बड़ा म्यूजिकल सा माहौल वीकेंड शो पे होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत सारे, वैसे भी जब लोग मुख्तलिफ पार्टीज या इवेंट्स में मैं जाती हूँ या बाहर कहीं शॉपिंग करने भी जाऊँ, तो अक्सर लोग यही फरमाइश करते हैं और वीकेंड शो के फैन पेज के ऊपर भी यही फरमाइश होती है कि ज़रा म्यूजिकल प्रोग्राम ज़रूरी है, क्योंकि वीकेंड का जब वक्त होता है तो इंसान का रिलैक्स करने को, इंजॉय करने को दिल कर रहा होता है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर मैं हमेशा कहती हूँ कि वी आर ब्लेस्ड एंड लकी माशाल्लाह कि हर जॉनरा के अंदर ख़वातीन व हज़रात ऐसे ऐसे सिंगर्स आए, चाहे मेल हों या फीमेल हों, कि जिनके पास अल्लाह ताला ने वाकई में उनको एक ख़ास करम किया हुआ है, खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और फिर साथ में जब वो अच्छे उस्तादों की सरबराही के अंदर वो सीखते हैं गायकी को, तो वो फिर पूरी दुनिया में हर जॉनरा के अंदर इन तमाम सिंगर्स ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरी आज की जो मेहमान शख्सियत है, अगर मैं इनकी बात करना शुरू करूँ, शी इज़ अ लवली पर्सन बाय हार्ट। और इनकी अगर मैं गायकी की बात करूँ या इनकी आवाज़ की मैं बात करूँ, गज़ल गायकी के अंदर इन्होंने अपना नाम मनवाया, अपना लोहा मनवाया और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और बड़े मज़े से गाती हैं जो भी गाती हैं, और बड़ी चुलबुली सी हैं, मुन्नी सी हैं, अभी भी मुन्नी है और मुन्नी ही रहेंगी, और दिल कितना मुन्ना है ये हम जानेंगे। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो लातादाद ऐसे अवार्ड्स मिले हैं इनको, कि मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अवार्ड वही होता है कि जो आवाम के दिल में घर करें। और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ गज़ल गायकी को समझा जाता है, जाना जाता है, माना जाता है, पसंद किया जाता है, इनके फैंस, इनके परिस्तार इनको पसंद करते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं। आज की मेहमान शख्सियत की नज़र, एक छोटा सा पैकेज, आइए देखते हैं। Alright जी, पैकेज आपने देख लिया, लेट्स वेलकम एंड पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वन एंड ओनली मुन्नी बेगम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुन्नी आपा, मुझे ना समझ नहीं आ रही थी, मुझे जब से पता चला दो दिन से कि आप शो में आ रही हैं, कि मैं मुन्नी आपा कहूँ, मुन्नी जी कहूँ, मुन्नी बेगम को, आप बता दें मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि मैंने पूरे प्रोग्राम में कंफ्यूज रहना है, एंड में मैंने मुन्नी मुन्नी कहना शुरू कर देना है। जो आपको अच्छा लगा आप वही कहें। आप मुन्नी हैं फिर, ठीक है। दिल भी मुन्ना है कि नहीं? बहुत, दिल तो बहुत ही मुन्ना है। दिल बहुत ही मुन्ना है, तो फिर मुन्ने दिल की तो छोटी छोटी फरमाइशें भी होती होंगी, ख्वाहिशात होती होंगी। ख्वाहिशात बहुत है लेकिन फरमाइशें नहीं। फरमाइशें नहीं है, फरमाइश उठाने वाला कोई नहीं है, या आपको लगता है कि ख्वाहिशात ही हैं जो खुद ही पूरी हो जाती हैं? खुद पूरी हो जाती है माशाल्लाह, खुद पूरी हो जाती है। अच्छा आप अगर आपके करियर पर नज़र दौड़ाएं, आप माशाल्लाह ब्लेस्ड हैं दुआएं लेने वालों में से, और दुआएं अपनों की सबसे पहले, परायों को यानी जो फैंस हैं, परिस्तार हैं, वो तो चले बाद की बात है, लेकिन अपनों की दुआएं बड़ी समेटी हैं। आप क्या समझती हैं, क्या ऐसी ख़ास बात थी कि आपने अपनों की दुआएं सबसे पहले ली? सबसे पहले बात तो ये है कि मैं खुद भी सबके लिए दुआएँ करती हूँ, अपने परिस्तार, अपने फैन, अपने मुल्क, अपने भाई बहन, औलाद के लिए, सबके लिए करती हूँ। तो शायद ये उसी वजह से मुझे पलट के वो सारी दुआएं मिलती हैं। वाकई में सब मुझे दुआ देते। अच्छा लोग मुन्नी से नादरा का सफर करते हैं, आपने नादरा से मुन्नी का सफर किया, ये उलट कैसे चला सिलसिला? ये असल स्कूल में पढ़ती थी मैं ढाके में, तो वहाँ पे स्कूल में मैंने दो तीन चीज़ों में हिस्सा लिया, उस पर मैं फर्स्ट आई, तो मेरे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि ये छोटी सी थी, मुन्नी सी है, और इसको क्या तुमने नाम नादरा बेगम, इतना भारी सा नाम दिया। अच्छा, बेगम साथ था तब? हाँ, बचपन से ही लगा। हाँ, अच्छा, क्योंकि मैं रहने वाली हूँ मुर्शिदाबाद की, ठीक है, तो मुर्शिदाबाद से अब्बा अम्मा उन लोग चले आए। हाँ, पाकिस्तान। हाँ, ढाका चले आए, फिर ढाके में फिर मेरी एक बहन पैदा हुई, फिर मैं पैदा हुई, तो वहाँ पे हम रहने लगे, तो वहाँ से फिर हमने सारा सब कुछ शुरू किया, अपने गाने का सफ़र, अपने मतलब पढ़ाई का, तो ये होते होते काफ़ी आगे निकल गए हम। सही सही, तो प्रिंसिपल ने कहा कि मुन्नी सी हैं, तो नाम मुन्नी रखा। हाँ,
तो उसके बाद से खुद ही वालिद साहब ने ही रख दिया मुन्नी। अब्बा ने कहा कि नहीं उसको मुन्नी बुलाया कर, अब्बा तो मुझे मुन्नी माँ बुलाया करते थे। मुन्नी माँ? हाँ मुन्नी माँ, वो बहुत प्यार करते थे मुझसे। नहीं लेकिन प्यार तो अपनी जगह, मंजली थी आप सात बहन भाइयों में से तीसरी बहन, तीसरी नंबर पे, तो या तो बड़ी होती तो चलो मैं कहती कि जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बड़ा जो होता है जरा उसको सारा समझदार समझा जाता है कि सारे घर, तो फिर कैसे माँ क्यों कहा करते थे? मुझे इसलिए कहते थे कि मैं जब बीमार पड़ती तो सीधा डायरेक्ट आईसीयू में जाती थी, तो डर जाते थे कहीं मर के खत्म ही ना हो जाए, तो उसको जितना प्यार करना प्यार तो उसे प्यार से मुझे मुन्नी माँ करके बहुत प्यार करते थे अब्बा। तो आप भी माओं की तरह रोब? नहीं मैं तो बहुत बदतमीजी पर बहुत वो करती थी, जो जो चीज़ से मना करते थे वो काम जरूर करती थी, दरख्त पे चढ़ जाना, नदी में कूद जाना, ये सब करती थी। हाँ आप पर डांटी लगती हैं आप, मुझे तो लगता है आपने क्या नदी पे करना है, आपने तो सोटियां मारती होंगी जहाँ आप रहती होंगी बच्चों को, सच सच बताएं मोहल्ले के बच्चों को। बहुत डरा के रखा है मैंने, सब डरते हैं। माने माने आप मुझे शाबाशी दे, मैंने देखा मैंने पहचान लिया, ये मेरी ऑब्जर्वेशन का कमाल है। अच्छा क्या करती थी मोहल्ले के बच्चों के साथ बताएं? मोहल्ले के बच्चे जैसे बताए, किसी के बच्चे बहुत बदतमीजी बन करते थे, उनकी अम्मा बुला लेती कि मुन्नी को बुलाती हूँ अभी, फिर मैं जाती थी, फिर मैं अच्छा से कुटाई उटाई करके बाद में उसको फिर लेके जाती थी बाहर, खाना वाना खिला के समझा के उसको गिफ्ट दिला के उसको ऐसा कर देती कि बिल्कुल फिर वो सेट हो जाता थे, सेट हो जाएगा। तो आपके अपने बहन भाई कितना आपसे डरते थे? मेरे भाई बहन सब मुझसे बहुत, उनके बच्चे भी ऐसे बदतमीजी बन करते थे तो उनके साथ भी यही वो करती थी, मुन्नी को बुला बस वो ठीक करेगी, फिर मैं आकर अच्छा से वो कुटाई शुरू करती थी, सब ठीक। आज वो बच्चे सब बड़े हो गए लेकिन कहते कि मेरी खाला बहुत अच्छी है, खाला बहुत अच्छी, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मेरे भांजे मेरे भांजियाँ बे इंतहा प्यार करते, बहुत करते। अच्छा लेकिन ये जो आपके अंदर थोड़ा सा रोब आया या थोड़ा सा जो कॉन्फिडेंस ऐसा था कि आप थी, ये इस वजह से क्योंकि आपके वालिद का आपके साथ बड़ी एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट थी, तो वो प्यार और अपनाइयत की वजह से आप में कॉन्फिडेंस आया, बचपन में कुदरती तौर पर आपके अंदर था ये? नहीं हुआ ये था कि मेरा एक छोटा भाई था उसका नाम था अहमद, वो 5 साल का था और मैं 6 साल की थी, तो उसका अचानक उसका इंतकाल हो गया तो फिर उसके ड्रेस मुझे अब्बा ने पहनाना शुरू कर दिया। अच्छा। वो पैंट पहनती थी मैं शर्ट पहनती थी, तो मुझे अब्बा ने उसके जगह पे मुझे ले आए। अच्छा। और फिर मैं गाना गाने लगी, जब गाना गाने लगी फिर अब्बा मेरे बहुत बीमार हो गए, जब वो इतने बीमार हो गए उस वक्त मैं 7-8 साल की थी, तो मैं उनको देख देख के सोचती थी, सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करती थी कि अल्लाह मुझे जल्दी से बड़ा कर दीजिए, मैं इनकी मदद करूँ, हेल्प करूँ, मेरे माँ बाप का ख्याल करूँ। तो करते करते आखिर में एक वक्त ऐसा आ गया कि वो लोग मेरे बच्चे बन गए और मैं उनकी माँ बाप बन गई, और ये बहुत बड़ी बात है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि आपा ने अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखा लेकिन इनका किस किस ने ख्याल रखा, और कभी ख्वाहिशात दिल में आएंगी यार मेरा भी कोई ख्याल रखे, क्योंकि बहुत छोटी सी उम्र पे जब आप में जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं तो आपका बचपन आपसे ले लिया जाता है, क्योंकि आप मैच्योर हो जाते हो, पूरे घर की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी होती है। ये तमाम बातें जानेंगे ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून। वेलकम बैक वंस अगेन, दी वन एंड ओनली मुन्नी। आप मुन्नी बेगम मैं कहने लगी थी आपको, मैं पूरे प्रोग्राम में ना यही कंफ्यूज रही। अच्छा आपा साड़ी के बगैर मैंने आपको हमेशा साड़ी ही पहने हुए देखा है, कोई खास वजह? और फूल आज आप मेरे शो में पहन के नहीं आई, फूल ना पहनने की क्या वजह? मैं इस इंतजार में कि आप दूसरा प्रोग्राम कीजिएगा फिर उस पर पहनूंगी। अच्छा आपा मुझे ऐसा लगता है आपके मिजाज से कि आप हाजिर दिमाग हैं, ये बचपन से है स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट, बहुत खुश मिजाज भी हूँ और बच्चों के साथ सख्त मिजाज हूँ, सख्त मिजाज। हाँ मैं अपने बच्चों को बहुत, क्योंकि मैं अमेरिका में रहती हूँ वहाँ पे मेरा बच्चे पढ़ते थे स्कूल में पढ़ते थे, तो मेरा बेटा छोटा सा था उस वक्त 2000 में जब वो यहाँ से गया था तो 8 साल का था, तो वो स्कूल में जाता था, स्कूल में जाता थोड़ा वो, तो मैं अपने बच्चों को हाथ पकड़ के उसको प्यार करती थी, तो मेरा बच्चा समझता था कि मेरी माँ मेरे हाथ को प्यार करे, मैं हाथ को प्यार नहीं करती थी, मैं सूंघती थी कि कहीं सुट्टा उट्टा तो लगा के नहीं आया, तो मैंने बहुत काबू करके और बहुत कंट्रोल करके अपने बच्चों को पाला, और मैं हर माँ से यही कहूँगी कि अपने बच्चों पे तवज्जो ज़रूर दीजिएगा, उसके आने जाने पे उठने बैठने पे, अगर चाहती हैं कि आने वाले दिन पे बच्चा आपका फरमा बरदार हो जिस तरीके से मेरे बच्चे हैं। बिल्कुल अनडाउटेडली, अनडाउटेडली। अच्छा आपा मुझे एक बात बताएं, मुन्नी तो प्रिंसिपल ने रख दिया लेकिन सच सच बताएं अब तक की जिंदगी के अंदर किसने मुन्नी कहा तो खुश हुई कि यार ये सही, ये इसने कहा है तो मुझे दिल में खुशी हुई है? मेरी नवासी, वो है तकरीबन अभी 8 साल की है। अच्छा परिजात, उसकी पहले अल्फाज जो थे वो यही थे मुन्नी। इंटरेस्टिंग के 8 साल की। हाँ। छोटी सी थी वो उस वक्त 9 महीने की थी। हाँ। और उसको मैं पालती थी। हाँ, हाँ। अमेरिका में। ठीक है।
तो उसको पता नहीं भूख लगा कुछ ऐसा कुछ था, तो उसका पहला जो अल्फाज जबान से निकला वो मुन्नी निकला मुन्नी था। लेकिन मुझे बताएं अमेरिका में अब आप सेटल्ड हैं, जिस तरह बच्चे भी सारे सेटल्ड हैं, पाकिस्तान के अंदर और अमेरिका के अंदर पे तो ज़िंदगी बड़ी डिफरेंट होती है। लोग कहते हैं कि और ख़ासतौर पर एक मचोर एज में आ जाएँ, आपकी एज में जो लोग आते हैं वो कहते हैं यार पाकिस्तान में रहना है। आप पसंद करती हैं पाकिस्तान में रहना या अमेरिका में? मैं अमेरिका में रहना इसलिए पसंद करती हूँ कि मुझे पता नहीं हर तरफ वो सच बहुत मिलता है। वहाँ पे अगर मैं ग्रोसरी करने भी जाती हूँ तो वहाँ ये नहीं कहते हैं दुकानदार कि नहीं नहीं हाथ नहीं लगाएं, जो खरीदना है हम खुद आपको तोल के देंगे। हाँ। वहाँ अपने मर्जी की चीज़ें, आपकी मर्जी चलती है अमेरिका में, यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलती। तो किसी भी सच तो बड़ा कड़वा होता है, तो फिर सच सुनने वालों मुझे तो बड़ा मीठा लगता है क्योंकि मैं सच पे ही यकीन रखती हूँ। तो फिर इस तरह आपके दोस्त तो नहीं बनते होंगे? नहीं, मेरे कोई भी दोस्त नहीं। मेरे एक दो दोस्त थी, एक दोस्त मैंने बुलाया, वो आई आके घर पे कहने की आपने सुना आज ऐसा हुआ फलां की लड़की फलां के साथ भाग गई। मैंने कहा तौबा तौबा किस किस की बातें करती है। मैंने अपने बच्चों से कहा, मैंने कहा आइंदा ही आए तो उसको बोल देना अम्मा घर पे नहीं थी। ये प्रोग्राम के बाद मैंने आपने चाय पे बैठना है, स्पेशल चाय, लाल फूल मंगवाए और चाय बाद। आप मेरे जैसी हैं बिल्कुल। मैं भी सच बोलती हूँ तो दोस्त ज्यादा बनते हैं। हाँ, मेरे तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बड़े खुश हैं बगैर दोस्तों के। अच्छा आप, लेकिन मेरा एक दोस्त है। अच्छा कौन वो दोस्त है मेरा? मैं वहाँ पे चिड़िया जो ये आते हैं ना, इनको मैं बहुत इनको खाना, इनके जब अपना खाना लाती हूँ तो मैं इनके लिए भी खाना लेके आती हूँ। तकरीबन एक एक पैकेट आता है उसका, मतलब इनका चिड़िया का। हाँ, बर्ड फीड। तो उनको मैं खिलाती हूँ। हाँ। तो उस पर एक दफ़ा क्या हुआ, किसी ने खटखट किया तो मेरा बेटा छोटा उठ के आया, कहने का कि अम्मा कोई आपका खिड़की खटखट आ रहा है। मैंने कहा नहीं कोई नहीं आ जाओ तुम सो जाओ। हाँ। कहने का नहीं नहीं अम्मा है। तो मैंने उसको फिर दिखाया तो तीन चार चिड़िया जो थी वो चोट मार रही थी कि जल्दी से मुझे खाना उधर पहुँचाओ तुम। फिर मैं जाकर उनको वो दाना उनको जाके दिया तो फिर वो एक अलग सा एक वो दुनिया का दुनिया होती है। हाँ। और वो बड़ी बहुत फील करते हैं। आप चिड़ियों को और परिंदों को अगर खाना खिलाएं तो परिंदे हैं आपके। हाँ, परिंदे की जो जुबान है वो सिर्फ दो जुबान बोलते हैं वो। हाँ। वो या जिक्र इलाही या रिज़क, बस ये दो उनका जुबान है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंसान नहीं है यानी दोस्त नहीं, माशाल्लाह। चलें, ये तो बहुत अच्छा हो गया। इस पे मैं रोशनी जरूर डालना चाहूंगी। चाय पे आपने प्रोग्राम के बाद दो कप अब हो गई हैं, पहले एक कप था, ये सुनने के बाद दो कप हो गई हैं कि क्या मतलब मसले मसाइल। अच्छा जी, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए पहला आप कौन सी गजल सुनाएंगे? मैं जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुन्नी आपा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्कुरा रही हैं। सच सच बताएं क्या वजह है मुस्कुराहट की? कोई वजह नहीं, कोई वजह तो होगी, बस अच्छा लग रहा है सब कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। जिंदगी हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है। कभी अच्छी, कभी खुश, कभी गम, कभी गम। हाँ। तो आपा इतनी सी उम्र के अंदर, और मैं इसलिए आपसे सवाल पूछूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़ी उम्र में, मचोर उम्र के अंदर आके जब जिम्मेदारियां कंधों पे पड़ती हैं तो परेशान हो जाते हैं। छोटी सी उम्र के अंदर, गालिबन आप 8-9 साल की थी मेरे ख्याल में जब गाना शुरू कर दिया, 8-9 साल की बच्ची, और वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई बहुत। मेरे अब्बू को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये 3 महीने तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि उनको उस ज़माने में TB हो गया था। तो मैं अपने बाप को देखती थी और मैं बहुत परेशान होती थी कि मैं कैसे इनका क्या हेल्प करूँ, मैं कैसे कुछ करूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। और बस उनको देख के ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाने को जी चाहता था, चाहती थी कि सारी दुनिया की नेमतें मैं इनके लिए ला के रख दूँ। और वो जो भाई के कपड़े पहन के भाई बेटा बन के दिखाना चाहती थी, भाई का कपड़ा पहनती थी, मैं साइकिल चलाती थी, मैं मोटरसाइकिल चलाती थी। मोटरसाइकिल 11 साल की उम्र में मैंने चलाना शुरू किया, ढाका के शहर में चलाती थी। सीखा कहाँ से आपने? मेरे फूफेजाद भाई ने सिखाया था मुझे। वाकई में? हाँ। तो सीख के तो? हाँ, साइकिल अब्बा ने सिखाया था क्योंकि अब्बा मेरे पुलिस में थे ब्रिटिश के ज़माने में, उस वक्त अब्बा की शादी नहीं हुई थी। ठीक है। तो फिर वो पुलिस में रह के वहाँ पे वो साइकिल के चैम्पियन थे। हाँ। तो जब बंगाल आ गए 1950 में, फिर वहाँ आने के बाद मेरी बड़ी बहन पैदा हुई, फिर मैं पैदा हुई, तो वहाँ पे उन्होंने हम लोगों को इस तरीके से कर दिया कि आने वाले दिन में हमारे लिए कोई रुकावटें, कोई तकलीफ़ें ना हो। हम 4 बहन थे उस वक्त, चारों बहन को उन्होंने बहुत तेज तरार बना दिया था। अच्छा, तेज तरार कैसे बनाया? वो इस हिसाब से कि मतलब इसको समझ में आए कि कौन सा चीज़ बुरा है, कौन से लोग बुरे हैं, ताकि वो अगर मर भी जाए तो हमें कोई तंग ना कर सके। तो कैसे सिखाया उन्होंने? बातें बताई? बातें बताते थे और बहुत तेज तेज चलना सिखाते। कौन कौन सी बातें थी जो आज भी आपको याद है और वो नसीहत जो है आपने जहन में बिठाई हुई और अपने बच्चों को भी आगे कहा कि ये कुछ सीखना? बस यही कहते थे कि बेटा हर वो काम करना, लेकिन वो काम कभी नहीं करना जिससे माँ बाप
کا سر جھکے. تو ہم نے وہ کام کبھی نہیں کیا, شکر اللہ کا کہ میرے بچوں نے بھی یہ نہیں کیا. لیکن آپا 8-9 سال کی عمر میں, میں دوبارہ اس سوال کی طرف, 8-9 سال کی عمر پہ جب ذمہ داری پڑ گئی, گھر والے ہیں, سات بہن بھائی ہیں, ابا کو جواب ڈاکٹر نے دے دیا ٹی بی ہے, ٹی بی کا علاج نہیں, تو پھر کس طریقے سے 8-9 سال کی بچی کیسے اتنا مینٹلی میچور ہو کے سوچ سکتی ہے کہ یار میں نے اب گھر کی ذمہ داری اٹھانی ہے؟ پتہ کیا ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو دنیا اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اگر کوئی بھی ذرا تکلیف بیان کرے تو 10,000 ہاتھ ان کے آگے آ جاتا ہے. میرے زمانے میں میڈیا بھی نہیں تھا اور لوگ تو تھے لیکن ان کی ہاتھ نہیں تھی. تو میں پھر یہی سوچتی تھی کہ جو کچھ بھی کرنا ہے جو ہم کریں گے. میری بڑی بہن نے کیا, سب سے جو بڑی والی باجی ہے میری اشرفی باجی, انہوں نے کیا, میری آمنہ باجی انہوں نے کیا, سب نے خیال کیا. لیکن میرے اوپر آخر میں ذمہ داری آ گیا, ان دونوں کی شادی ہو گئی. اچھا پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے بس اللہ نے راستہ بنا دیا. کہتے تھے جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے. میرا اللہ, میرا ہر لمحہ ہر پل میں نے محسوس کیا کہ بہت نزدیک ہے. اور اللہ نے آپ کی سنی ہر خواہش پوری کی, جو شاید نہیں بھی مانگا وہ بھی دیا. لیکن آپا 8-9 سال کی عمر کے اندر تو بچیوں کی عمر ہوتی ہے گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی. میں کھیلتی تھی نا, میرے گڈا ابا تھے اور گڑیا اما تھی, ان کے ساتھ ہی کھیلتی تھی میں. اور کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میرا بچپن جو ہے وہ ختم ہو گیا اور میں اس کو, اصل میں محسوس کرتی تو پھر جی نہیں سکتی تھی, زندہ رہنا مشکل ہو جاتا تھا. اس لیے اس بات کو بھلا دینا ہی اچھا تھا. ماں باپ کو لے کے ہی کھیلتی رہی. آخر میں یہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں آپس میں لڑتے تھے اور کہتے تھے کہ منی کو آنے دو, اس کو بتائیں گے. اما کہتی تھی کہ ہم بھی بتائیں گے کہ تم کتنا تنگ کرتے ہو مجھے, میرے ساتھ ایسا پیسہ لے لیا خرچے کا. ابا غصہ کر کے چلے جاتے تو پھر میں جا کے گاڑی سے جا کے ان کو منا کے لے کے آتی تھی. پھر ان کو اتنا پیسہ دیتی تھی, ان کو اتنے پیسے دیتی, میں نے کہا اب لڑنا نہیں آپس میں. اچھا یعنی ماشاء اللہ یہ ساری مطلب ساری بس صرف دوست نہ بنا سکیں اور وہ بھی انسان کو دوست نہ بنا سکیں. نہیں, انسانی دوست پہ چکر یہ تھا کہ چھل فریب مجھے نہیں پسند ہے. میری کچھ دوست ایسے بھی ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت ناانصافی کرتی ہیں, جو مجھے بالکل ناپسند ہے. میں ایسا پسند نہیں کرتی ہوں. میرا اپنا جو دماغ کا جو ایک وہ تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے جب آپ کی زندگی میں آتے ہیں آپ اس کو ایز اے کھلونا اس سے کھیلتے ہیں. جب وہ بچے آپ کی عمر میں جاتے ہیں تو ان کو بھی وہی کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوشش کیجئے جس وقت میں آپ کی شادی ہوئی ہے, آپ کی اولاد کی شادی بھی آپ اسی وقت کر دیجئے. ایسا نہیں کہ بہت ابھی کم عمر ہے, اس کے لائق رشتہ نہیں مل رہا ہے. ہزاروں ایسے میں نے دیکھا کہ اس طریقے سے کر کے اور بچوں کو, لڑکی خاص طور سے لڑکیوں کو ڈیمیج کر دیتے ہیں کہ 40 سال کی لڑکی کا جب شادی وہ کرتے ہیں کہ 30 سال کی ہو تو پھر وہ کہیں کی بھی نہیں رہتی ہے. اچھا میں نے جو یہ چیزیں مجھے بہت ناپسند ہیں بالکل. اور میں نے ایک جو ایک چیز نوٹ کی, اس پہ میں بعد میں بھی بات کروں گی کہ آپ نے چونکہ کم عمر میں مچور ہو گئیں اور گھر کی, تو آپ نے اپنے خود اب پرنسپلس بنائے, آپ نے اپنی زندگی کے خود سیٹ آف رولس بنائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے اور اسی کے حساب سے آپ نے زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں برکت بھی بہت ڈالی. اچھا آپ پھول میں سو رہے ہیں, میں آ رہا ہے رستے میں, دو پھول ہیں, دو لگانے آپ نے میرے کہنے پہ. اچھا آپ ہوں اور آپ کی موجودگی میں ایک بار مسکرا دو نہ سنے, میرے خیال میں زیادتی ہوگی تو آڈینس اور میری فرمائش پہ. اور یہ ہر بچے, ہر بڑے, ہر بزرگ, میں کہیں پہ بھی پوری دنیا میں آپ چلے جائیں, ایک بار مسکرا دو, یہ ایک ایسا کلام ہے جو ہر کوئی, اور غزل ہے کہ ہر کوئی اس کو سننا چاہتا ہے. جی آپ, اب یہ جو غزل نغمہ ہے یہ میرا پہچان بن چکا ہے. ویلکم بیک ونس اگین, دی ون اینڈ اونلی منی. آپا میں منی بیگم کہنے لگی تھی, میں کیا کروں, میں کنفیوز ہو, آپ کے سحر میں گرفتار ہو گئی. آپ کو پتا ہے یہ بات, قسم سے, سیریسلی. چلیے یہ بھی اچھی بات ہے, یہ بھی اچھی, اور کون سی اچھی بات ہے؟ ساری باتیں اچھی ہیں, آپ نے ساری ٹھیک ہیں, شاباشی آپ نے دوبارہ دینی ہے, ایسے نہیں ہے. اچھا جی, بریک کے بعد میری بہت پیاری سہیلی دا ون اینڈ اونلی سامیا. منی آپا, میں تو جی صبح سے مسرور تھی جب مجھے پتا چلا کہ آج منی آپا سے ملاقات کا دن ہے. اور میں ہمیشہ ہر شو پہ ہوتا تھا, کئی شوز پہ میں پارٹ ہوتی تھی لیکن میرا دن نہیں ہوتا تھا. مجھے پتا چلتا تھا منی آپا, میں کہا آئے آج بھی شو مس ہو گیا. اینڈ تھینک یو سو ویری مچ اگین کہ بڑے بڑے لیجنڈ سے تم نے مجھے ملوایا, شی از ون آف دیم, ماشاء اللہ کہ آج مجھے سعادت نصیب ہوئی کہ آپ سے جو ہے ملنے کی. لیکن سامع مجھے ایک بات بتائیں, کیونکہ آپ ذائچہ ابھی دیکھ بھی رہی تھی پروگرام اسٹارٹ ہونے سے پہلے, بلیسڈ ہیں یہ ماشاء اللہ, آپ بہتر بتا سکیں گی. بہت بلیسڈ سول ہیں میں, بلکہ
ऐसी ऐसी चीज़ें इनके जायचे में देख रही थी और मैं खुद हैरान हो रही थी। मैंने कहा मुझे ऐसे लगता है जैसे मुनियापा आप अंदर से एक फ़ौजी जर्नैल हैं कि पूरी एक फ़ौजी ट्रेनिंग है। एक बाअसूल खातून ख़वातीन में कम होता है, असूल पसंदी पाई जाना, अपने पैरामीटर्स होना, उनके ऊपर जो फिट होता है वो रहेगा, जो नहीं होता वो अपने घर का रास्ता देखे। ये बड़ा कम होता है कि इतनी क्लैरिटी औरत के अंदर पाई जाए ना। एक मतलब मैं कहूँगी कि एक औरत है जो पूरी एक जर्नैल फौजी और एक आदमी है पूरा अपने अंदर जो है ना, कि वो ये अल्लाह ताला ने आप में कि घर से ट्रेनिंग ऐसी थी या बाय मिजाज ही ऐसा पाया? नहीं, असल में जब जैसे बंगाल में रहते थे जी जी, तो वहाँ मेरी बहनें मेरे सब इकट्ठा रहती थी, तो उनके लिए मुझे सब मेरे से दो बड़ी बहनें भी थी और एक छोटी, तो माँ बाप भी थे, तो इनको कंट्रोल करने के लिए अपने मिजाज को मैंने सख्त बना दिया। और मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी कि कोई आके मुझसे ज्यादा फ्री होने की भी कोशिश करे। अच्छा, तो और तो वो 12-13 साल में मोटर बाइक चलाना शुरू कर दी थी? 11 साल की उम्र में मोटर बाइक चलाती थी, उसके बाद फिर गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। गाड़ी में स्कूल में जब अपने मैं वहाँ ढाके में शाहीन स्कूल में पढ़ती थी, तो स्कूल बस का जो ड्राइवर हम लोग को छोड़ने के लिए आता था उसके साथ बैठ के वो देखती थी, देख के उसके बाद फिर गाड़ी चलाना सीख ली। सीटी आती ही बजानी? हाँ। आती होगी डेफिनेटली। बजाएं ना जरा, ऐसे मैंने छोटा सा सवाल किया, बड़ा देख के सीटी बजाएं ना। ये सामने करें, क्या करना होता है, कैसे करते हैं ये जबान को उल्टा? हाँ हाँ, उसके बाद फिर पूछे क्या करूं मैं, ये सीख लूं तो बड़ी तरक्की करूं। एक बड़ी मजेदार बात इनके जायचे में जो मैंने देखी है, सुन बस, एक तो ये अपने बच्चों के मामले में ब्लेस्ड है कि बच्चे बहुत, मैं इनको ओबीडियंट देखती हूँ और ये खुशकिस्मत है अपने औलाद के मामले में। जो अच्छी चीज है, एक इंटरेस्टिंग चीज है, इश्क इनके पीछे भागता रहा, इश्क से आगे भागती रही। अच्छा, अब वो क्यों ऐसे होता रही है बाप मुझे? ये सच है बात? बिल्कुल सच है, लेकिन क्योंकि इसलिए भागती थी ना, मुझे यकीन नहीं इन बातों पे। क्यों पता नहीं, आपने कुछ देखा अपनी आंखों से सामने? हाँ, इस तरह अपने आंखों से देखा, लोगों के तजुर्बों से सीखा या इश्क भी मैंने किया, लेकिन बेकार था वो। यही चीज मैं आपके आपसे सुनना चाहती हूँ। वो टाइम खराब करने की बात है, अगर आप किसी से इश्क करती है। मेरे बच्चे, मेरे तीन बच्चे अमेरिका में रहते हैं, मेरी दो बेटी एक बेटा। मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी 21 साल की उम्र में कराची में ला के किया, अमेरिका में 8 साल गुजारने के बाद, और अरेंज मैरिज। छोटी बेटी 18 साल की थी, उसका भी अरेंज किया। बेटा जो मेरा 8 साल का अमेरिका में गया था, 25 साल का उसको यहाँ लेके आई, लड़की मैंने पसंद की और शादी किया। और कहता है मेरा बेटा कि मेरी माँ ने मेरे लिए हीरा तलाश नहीं, अनडाउटेडली आपकी। लेकिन जो इश्क पीछे भागते थे या जो इश्क पीछे आते रहे, चेस करते रहे, उनको कैसे हैंडल किया? नहीं, वो तो खैर आप उस पर तवज्जो नहीं, मैं तो तवज्जो नहीं देती थी। मैं जानती तो थी, लेकिन मैं इन बातों पे पढ़ती नहीं थी, क्योंकि मेरा जिंदगी गुजारने का जो नहीं तरीका क्या होता था कि किस तरह भागती, किस तरह थी बेचारी जो औरतें काम करने में, आपकी तरफ से एक लेसन हो जाएगा कि ऐसी चीजों को हैंडल कैसे किया जाता है। क्या बस दरगुजर की जाए, रूड हो जाए तो लोग दुश्मन बन जाए? नहीं, रूड नहीं हो। आपको अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तो शुक्रिया भाई। सच सच बता दे, कितनी दफा शुक्रिया भाई का है? सच बहुत, बहुत बहुत मर्तबा। ये गाली मुक गई, कभी कहा नहीं खत्म, जज्बाती नहीं है आप, इसका मतलब है बिल्कुल भी दिमाग, मतलब मर्दों वाला वो जिस तरह सामिया कह रही ना, दिमाग है और तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब कि ऐसा ही होना चाहिए, दिल पिघल जाता है, मोम हो जाता है औरत का। आप कैसी हैं, क्या हैं आप? आप अगर उसको टाइम देंगे तो मोम होंगे ना, अगर आप टाइम देंगे शुरू में आप उसको भाई बोल के भगा दीजिए तो खत्म हो गया कहानी, खत्म ही कहा। ऐसा नहीं लगा कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई इस सारे जंग में? बहुत सारे। कभी सोचा उस बारे में? नहीं, कभी भी नहीं। जो गुजर गया वो गुजर गया, उसको सोच के जिंदगी को खराब नहीं करूंगी। जितनी अल्लाह ने जिंदगी दी है उसको आने वाले दिन की सुंदर की खुद को पैनिक में डालती हैं और फिर खुद को खुद ही पॉजिटिव सोच के निकाल लेती हैं। एक बड़ी एक और अजीब चीज है इनके साथ, कोई चीज है, कोई वियर्ड चीज है, ये खुद बताएंगी कि ऐसे लगता है जैसे इनको वो पावर फील भी होती है। अच्छा, अब ये पता नहीं ये कोई पढ़ाई ऐसी की थी या क्या था, या अल्लाह की ब्लेसिंग है वो आपके साथ? बहुत पहले 1976 में जब मेरा पहला वॉल्यूम निकला तो मैंने एक प्रोग्राम किया था, तो दोपहर के 11 बजे उस प्रोग्राम पे मैं गई दिन में, और एक फार्म हाउस में प्रोग्राम था और जून का महीना था, जून जुलाई, बहुत गर्मी पड़ी थी।
तो मैं उस प्रोग्राम पे गई, वो मलीर में कोई उनका मतलब फार्म हाउस था, तो जब मैं गई तो रास्ते में तमाम जो दरख्त थे वो अलग से थे, जब उसके अंदर मैं गई तो मैंने देखा कि कचनार के फूल के बहुत सारे दरख्त खिले हुए हैं, सही, और इतना हसीन इतना खूबसूरत कि मैंने आज तक नहीं देखा। और जब मैं प्रोग्राम करने के लिए बैठी तो सारे जो मेरे ऑडियंस थे, तो 10-12 ऑडियंस थे, तो 70 साल से लेके 75 साल की उम्र के थे, तो उन्होंने कहा कि बेटा इधर आ जाओ, बेटा इधर आके तुम गाना शुरू करो। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल ये इतना सारा जो दरख्त ये लगा हुआ है कचनार के फूल का तो सीज़न नहीं, ये फूल कैसे लगाए? कहने ये यहाँ लग जाता है। मैंने कहा अच्छा। हाँ। फिर मैं गजल वजल गा के फिर उन्होंने मुझे एक इतना बड़ा एक मुझे पोटली सा बना के दिया, उस पर बहुत सारे फूल रखे हुए थे, वो फूल लेके मैं घर पे आ गई और आके मैंने अपनी अम्मा को दिया। मैंने कहा अम्मा ये फूल। कहने यार ये तो कचनार का फूल है, उसका तो सीज़न भी नहीं है, ये कहाँ से मिला तुमको? मैंने कहा ऐसा ऐसा जगह प्रोग्राम पे गई। तो अम्मा अब्बा के कान में कुछ कहने लगी, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये बहुत एक अजूबा है मेरे लिए। फिर मैं उस जगह पर दोबारा गई, जब वहाँ पर गई तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अच्छा, अमेजिंग। और ये हाँ वो बाग मुझे कभी नहीं मिला, और उसके बाद नहीं मिला कभी, बस वो मिला। एक ही दफ़ा था। हाँ, खास करम है आपके ऊपर बात। लेकिन उन लोगों ने मुझे जब मैं आ रही थी तो उन्होंने सब ने मुझे बहुत दुआएं दी, बहुत कहा कि बहुत तरक्की होगी, बहुत आप जो ख्वाहिश करोगे वो पूरा होगा, सब कुछ होगा। तो आपके जिम्मे लगाऊंगी, आप मेरे लिए दुआ प्लीज करें। सब मैं दुआ कर रही हूं। लाइन अब हम चार कप चाय पियेंगे, पहले तीन मैदान थी प्रोग्राम के बाद चार कप चाय। और ये आपने देखो ये वो लोग ये सिखाना है, ये शक्ल कैसे बनाते हैं वैसे ये करते हुए, ये बताएं जरा। कुछ भी नॉर्मल नॉर्मल नहीं, मतलब ऐसे जरा टपोरी टाइप भी शक्ल बनती है? उस वक्त बनाते थे, अब तो अच्छे नहीं लगेंगे बनाते, अभी तो बस ऐसा कुछ सुना दिया। अभी तो मेरे जो है ना बेटियां और मेरे नवासे नवासे सब हंसेंगे कि नन्ना उधर सीटी बजाता है। इतनी प्यारी लग रही है, बजाते हुए छोड़ दे। अच्छा भाई जी, मैंने और आपने क्या एंजॉय करना है? सामिया जो एंजॉय कर रही है, मतलब मैं सिर्फ सामिया को देख रही थी। सॉरी, मुझे बिल्कुल नहीं याद रहेगा कि कैमरा ऑन है, नासिर लगे मैं ओवर हो जाऊं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल जायज है, लेकिन आप यकीन करें कि हम तो सुन के वैसे ही कमले होते थे, आज आप सामने बैठ के काम। बहुत शुक्रिया। अच्छा आपा मुझे बताएं, मैंने जितना आपको देखा है परफॉर्म करते हुए, आपने कभी, और जितने सिंगर्स होते हैं चाहे गजल गायकी या किसी भी जॉनरा की बात करें, उनके पास किताब होती है, पर्ची होती है, फोन के ऊपर वो देख रहे होते हैं, आप क्यों नहीं कोई किताब रखती हैं? अच्छा मैं ढूंढ रही थी कि शायद कहीं रखी हुई हो, कहीं देखना हो कि ये जुमला है, ये कलाम है, आप क्यों नहीं रखती कोई? नहीं, मुझे मेरे उस्ताद जी ने कहा था कि ये जो लिखा हुआ पर्ची ये सबको हटा दो, अगर कभी ये तुम्हारा पर्ची गायब हो गया तो फिर तो तुम्हारा गाना ख़त्म। तो वो सब उसको मैंने मुझबानी याद किया। दिमाग इतना तेज़ हो गया था कि मैं स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल के जो किताब हमको नए नए जो मिलते थे एग्ज़ाम के बाद, उसको मैं पूरा मुझबानी याद कर लेती थी। टीचर कहती थी कि चैप्टर नंबर 13 निकालो, तो मैं आराम से बोलती थी, मैंने कहा टीचर ये उस पे है। नहीं नहीं, हाँ तो टीचर हंसती थी। आप तो फर्स्ट आती होंगी क्लास में, पता नहीं, लेकिन ये फर्स्ट ये आ गई, सीटी इन्होंने बजा ली, मोटर बाइक इन्होंने 11 साल की उम्र में चला ली, और क्या क्या ऐसे कुछ किए, सोटियां इन्होंने मोहल्ले के बच्चों को मार ली, बाकी तो कुछ। अब्बा की धुलाई बहुत खाई। हाँ, अब्बा की धुलाई। अच्छा, जिन्होंने इश्क का इजहार किया उनको अस्सलाम वालेकुम भाई जान कह के भगा दिया, मतलब माशाल्लाह। आप जेमिनाई कह रही हैं? ये सन जेमिनाई है ना, तो इनका मरकरी भी बड़ा वो है, इसीलिए माशाल्लाह रिटेंशन अल्लाह ने बहुत अच्छी दी। अच्छा मुझे ये पूछना था कि जैसे बंगाल से आपका ताल्लुक रहा, तो उर्दू माशाल्लाह बड़ी क्लियर है आपकी, मैं जैसे तलफ्फुज में हमें तो कभी नहीं है वो इबहाम लगा के जो है ना कोई ऐसी झलक नजर आई। 71 में जब मैं ढाके से यहाँ पे आई थी तो मैं अपना स्कूल छोड़ के आई थी, शाहिंद स्कूल में मैं पढ़ती थी उस वक्त, ढाका के शाहीन स्कूल। और उसका ये एक तारीख है कि उस स्कूल में शेख मुजीब रहमान साहब के दोनों बेटे पढ़ते थे। अच्छा। एक बेटा मेरा क्लास फेलो था उनका, जमालुर रहमान। अच्छा। जो अब बहरहाल वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो बड़ा बेटा है वो मेरे साथ गाता था। हमारे स्कूल से कलाम इकबाल के नाम से कवाली चलता था, तो उस पर मैं लड़कियों में मैं लीड करती थी और लड़कों में वो कमाल लीड करते थे। आपको सुनवाने लगी तो उसके बाद जब यहाँ आ गई मैं यहाँ, तो फिर अब्बा ने फिर मेरी उर्दू को ठीक करने की। अच्छा, उर्दू ठीक की गई। लेकिन आपा आपने एक फिल्म में भी काम किया एज अ चाइल्ड स्टार, और तलाश फिल्म थी जिसमें रहमान साहब और शबनम जी का अमेजिंग पेयर, और ये एक ऐसा पेयर है जो अपने वक्त
का क्या, ये गोल्डन एरा की बात करें तो आज भी इस पेयर को याद किया जाता है, वो कैसा एक्सपीरियंस था और क्या रोल था उसमें? वो असल में छोटे से एक बच्चे का था कि 8-9 साल की लड़की होती है, वो फिल्म में एक फिल्म अदाकार थे अकबर, अच्छा वो रिक्शा चलाते थे और उस पर उनकी बेगम नहीं होती है, बेटी होती है, तो बेटी को साथ ले घूमते, तो वो बच्ची मैं थी। अच्छा, और डायलॉग्स थे उसमें? नहीं, डायलॉग तो याद नहीं है मुझे, था या नहीं, अब मतलब एक ही बस आपने वो किया उसमें। उसके बाद क्यों नहीं फिल्म्स में काम किया? उसके बाद फिर मैं गाने में बहुत हो गई थी, मुझे मतलब फिल्म में काम करने का था शौक नहीं था, गाने का बहुत शौक। अच्छा, अगर आपको कहें आप वर्कहॉलिक हैं, ये बात सच है कि आप बस काम में मगन रहना और इर्द गिर्द अगर कोई परेशानी भी है तो उसको नजरअंदाज कर देना कि आपका काम ना मुतासर हो? मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, कोई भी काम हो, जैसे मैं खाना भी बनाती हूँ तो बहुत प्यार से बनाती हूँ, और जैसे गाना भी गाती हूँ तो बहुत प्यार से गाती हूँ, जो भी काम है मुझे हर वो काम आता है, सब सीख सीख के, जैसे ब्यूटी पार्लर के यहाँ उनको देखा कि वो कैसे आईब्रो बनाती है, जाके बहन को सिखा दिया, अब बहनें मेरी आईब्रो वगैरह सब बना देती हैं। आपको नहीं आती आईब्रो? मुझे आती है, अच्छी वाली, सब सीख मुझे सिखा देती थी सब, जो ब्यूटी पार्लर में जो खातून उस जमाने में होती थी आज से 30 साल पहले, वो मुझे सिखा देती थी कैसे कर कैसे करो, अब सीख के मैं बहनों को आके सिखा देती। खाना पकाने का जैसा जो खाना अच्छा लगता था, मैं एक दफ़ा दिल्ली गई, वहाँ पे दिल्ली दरबार में मैंने बिरयानी खाया, तो मुझे इतना मज़ेदार लगा कि मैं कैसे सीखूँ, फिर मैंने उसके शेफ को बुलाया, बुला के उसको मैंने कहा कि मुझे सीखना और मैं ये तुम्हें पैसा दे रही हूँ, तो घर पर आके मुझे वो बिरयानी बनाना सिखा दिया, उसका नाम था लहसुन बिरयानी है? अब वो इतना मजेदार बिरयानी है। कैसे लहसुन बिरयानी, मतलब आपने सुना है नाम सामने पहले कभी? गोश्त होता है उस पर लेकिन लहसुन की मकदार बहुत ज्यादा होती है उसपे, और इतना मजेदार होता है कि लहसुन का उस पर बू नहीं आता है और बहुत अच्छा चीज है। तो जैसे अब मैं पाकिस्तान से अमेरिका जाती हूँ तो मेरा नवासा फरमाइश कर देता वहाँ से कि नना तुम आएगा तो ऑरेंज बिरयानी बनाएगा, और उसमें कलर डालते हैं ना ऑरेंज, तो कहता ऑरेंज बिरयानी बनाएगा, तो मैं उसके लिए बनाता नहीं। सास कैसी हैं आप? डाडी होंगी मुझे ऐसे लगता है। सास? हाँ, पता नहीं, मेरी तो जो बहू है वो तो बहुत प्यारी है, वो कहती है कि मैं अपने साथ, मैंने उसको अभी बोला था आने से पहले, मैंने कहा तुम्हारी शादी हो गई अब तुम घर संभालो, मुझे जाने दो, मुझे आज़ाद कर दो, कहते कभी भी नहीं, अब तो आपको ज़्यादा कैद करके रखूंगी। नहीं, आप वो वाली बात बताए ना कि आपने उसे देखा कहाँ था। मैं 2015 में मैं गई थी हज करने के लिए, तो मैं हज में तवाफ़ कर रही थी, तवाफ़ करते हुए एक लड़की मुझे नज़र आई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वैसे तो मैंने पूरे ख़ानदान में सबको बोला हुआ था कि मेरे बेटे के लिए लड़की देखो। अच्छा, तो उस लड़की को मैंने देखा और देख के मैंने अल्लाह से दुआ किया, मैंने कहा अल्लाह अगर ये मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छी है और मेरा बेटा इसके साथ अच्छा है तो मुझे इससे ज़रूर मिलवा दीजिए। तो जब हम तवाफ़ करके बाहर आए तो वो लड़की आई और आके कहने गई कि मुझे पता चला था कि आप हैं यहाँ पर, आप आई हुई हज करने के लिए, तो आपके साथ मैं तस्वीर बनाना चाहती हूँ। तो उसने मेरे साथ सेल्फी लिया, फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी अम्मी कहाँ है, तो उसने बताया कि अम्मी उधर बैठी हैं। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि शादी हो गई, कहने के नहीं, तो मैंने कहा कि मेरा बेटा है ये 25 साल का है और CA कर रहा है और अगर तुम मुनासिब समझो तो। अब सोचो जरा, आपने तो दूसरे, उसने कहा कि मुझे नंबर दीजिए, दूसरे दिन उनके अब्बा का फोन आ गया कि बाजी मेरी बेटी आज से आपकी हुई। अगले दिन 24 घंटों में? वाह वाह, क्विक सर्विस 24 घंटों में। हाँ, आप गई। सोचो कि जब तवाफ करते हैं सब वो हिजाब ही होते हैं, इनकी आप इनकी ऑब्जर्वेशन कमाल है इनकी गैलरी में। और आप सोचो कैसे उड़ती चिड़िया का पर पकड़ा के जो है ना, 6 कप चाय, अब प्रोग्राम के बाद चाय पे चाय चाय हो जाऊंगी। 6 कप चाय डन हो गई है प्रोग्राम के बाद, कुछ सीखना है मैंने आपसे। और वो मेरी बहू, मैं आपको बता नहीं सकती जितनी प्यारी जितनी अजीज मुझे मेरा बेटा, दोनों बेटियां, उससे कहीं ज्यादा अजीज मुझे मेरी बहू। माशाल्लाह, आप बहुत प्यार करती हैं, खुश नसीब हैं बच्चों के मामा। और आंखों में एक चमक आपकी नजर आती है माशाल्लाह, और वो दुआएं हैं जो आपकी, खास तौर पे वालिद साहब, वालिद और बेटी की बड़ी एक खास गहरी अटैचमेंट होती है, अगर बेटी चाहे तो और बाप चाहे तो, वो कम्युनिकेशन बैरियर हटे तो एक बड़े गहरा और बड़ा स्ट्रॉन्ग ये रिश्ता होता है। अच्छा आपा, एक अभी मर्दाना भी मैंने फरमाइश करनी है, क्या करें, मतलब बेटी और बाप क्या कह रही थी, तो इस पे एक कॉल है, मौला अली से मंसूब है वो कॉल, कि एक आदमी परेशान मौला के पास आया और आके फरमाने लगा कि इंसान पे बुरा वक्त कब आता है, तो मौला ने फरमाया कि जब औलाद अपने माँ बाप को नसीहत करना शुरू करता है उस दिन से उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। बेशक बेशक, तो कभी अपने माँ बाप से कभी नसीहत नहीं कीजिएगा माँ बाप को, और कभी किसी बात पे रोकिएगा टोकिएगा नहीं अगर चाहते हैं कि आप पे बुरा वक्त ना आए तो। बिल्कुल, और उफ कभी मत करें, बड़ी खुशकिस्मत वो औलाद होती है कि अपने माँ बाप, मैंने अपने माँ बाप को पलकों पे रखा। यही आपा, मैं आपको एक
बात बताऊं, 100 बातों की एक बात ये है कि जो आपने प्यार और जो अपनाइए, चाहे अपने बहन भाइयों का ख्याल रख के, अपने वालिद वालदा का ख्याल रख के, वो जो अटैचमेंट आपने हासिल और उनसियत की है, ये उसका नतीजा है कि आज आप करोड़ों दिलों में राज करती हैं, अनडाउटेडली। थैंक यू। अच्छा, अब आप मेरी और सामिया और पूरी, मैं कहती हूँ, आपके फैंस की फरमाइश पे अगला आप कौन सा जो है मैं सुनाने वाली हूँ, फिर उसके बाद Welcome back once again. You're watching the weekend show. और पापा, वाकई में मैं मान गई, मैं मान गई हूँ आपको। अब 7 कप चाय हो गई है। तुम बाहर सुनो। हम ऐसे कह रहे हैं, मैंने कहा जो जितनी चाय है ना, इसका सारा कैश दे देना। हाँ, ये भी इनके जायके में था, बहुत हाजिर जवाब। अच्छा, हाँ वाकई में। और जो है ना, ये भी पाई जाती है। खुश रहना चाहिए, मैं बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन अपने आप में गुम रहती हूँ। मैं कभी कभी अपने आप से भी बात कर लेती हूँ, जब ज्यादा मेरा उदास हो जाती हूँ, मैं बाहर गाड़ी लेके निकल जाती हूँ, खुद गाना गाती हूँ, पुराने पुराने गाना सुन के खुश होकर चली आती हूँ। अपने आप से क्या बातें करती हैं? अपने आप से कुछ भी नहीं, बस देखती हूँ, पूरा जायजा लेती हूँ कि कहाँ गलत है, कहाँ अच्छा है। अच्छा, अगर आप अपना खुद, चूँकि बाप चूँकि इतनी स्पॉन्टेनियस स्पॉट ऑन है, और हाजिर दिमाग से सामिया ने भी कहा, और हम शुरू में भी बात कर रहे थे, प्रिंसिपल्स आपने अपने बनाए हुए कि ये करना ये नहीं हाँ। करना, अपने अंदर कहीं अपनी शख्सियत में आपको लगा जिंदगी में कहीं जो आपने कोई गलत फैसला, चाहे ज़ाती ज़िंदगी हो या करियर के हवाले से कोई ऐसा फैसला किया हो जो गलत हो, और बाद में आपने कहा नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था? फैसला इंसान खुद कभी नहीं करता है, फैसला वो लेके आता है और वही होता है। बिल्कुल सच बात है। कोई फैसला कोई नहीं करता है। अगर कहता है ना माँ बाप ने किया या मैंने किया, ये किस्मत का लिखा है, और किस्मत पे बहुत यकीन करती हूँ, और किस्मत बनाने वाला लिखने वाला वो अल्लाह है। बिल्कुल, और यही मेरा यकीन है, और यही यकीन है। और आई थिंक इसी बात में सुकून भी है, सुनते सुकून है। लेकिन सामिया, दुआ भी तो है, दुआ से तकदीर नहीं बदलती। सबसे बड़ा देखिए, कुछ चीजें तकदीर में अटल होती हैं, कुछ चीजें अटल हैं, जिनमें से ये फैसले कुछ जो है, रिस्क का फैसला, औलाद, जब आप गिनने लगो तो सारे फैसले अल्लाह की तरफ हैं। सिर्फ हमारे इख्तियार में है अच्छाई और बुराई की जो सिलेक्शन है। बिल्कुल, कि हम कुछ शॉर्टकट तो नहीं ले रहे, जैसे कहते हैं ना, रिस्क के पीछे कभी ईमान खराब ना करे, रिस्क मौत की तरह पीछा करता है आपका। हम अपनी बहनों से कहते हैं, कहती है अल्लाह ने आपको हर वो चीज बख्श दिया है सिवाय एक चीज के, वो चीज आपकी अपनी है, और वो है आपका अमाल, उसको ठीक रखना। सारा चीज अल्लाह के पास है, सिर्फ आपका अमाल आपके पास है, और कुछ नहीं आपके पास। आप बेबस हैं, और कोशिश कीजिए हर वक्त खुश रहने का, कभी किसी को दुख देने की कोशिश मत कीजिए। अगर किसी से कोई गलती हो गया तो पहली फुर्सत उसको माफ कीजिए। लेकिन आपा, कभी आंखें नम तो होती होंगी, और अब मैं ये बिल्कुल सब, क्योंकि मुझे पता है कि आप ढका छुपा जवाब नहीं देंगी, कभी जिंदगी में अकेले जब अपने आप से मुलाकात की हो तो कभी आंखें नम हुई हो? हाँ, किसी भी बात पे रोना आता है तो अपने आप को बोलती हूँ पागल रो रही है, कभी चुप हो जाती हूँ। सबसे ज्यादा किस बात पे रोना आता है? वालदैन की जुदाई। अपने माँ बाप को याद करके बहुत रोती हूँ। मेरे अब्बा अम्मा का इंतकाल, खैर यहाँ पाकिस्तान कराची में हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, तमाम जिंदगी उनके साथ रही, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कभी कभी महसूस करती हूँ कि मैं शायद उनका एक पल का कर्ज भी नहीं उतार सकी हूँ। इस बात में मुझे बहुत रोना आता है। हालांकि 8-9 साल की उम्र में आपने हाँ। जब बच्चों की गुड़ियाँ खेलने की उम्र होती है, आपने प्रोफेशनली सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली। मैं अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबके बीच में रहना पसंद करती हूँ अभी भी, और उनको याद करती हूँ, माँ बाप को याद करती हूँ। अब तो वो दुनिया में नहीं है, तो मैं जब पाकिस्तान आती हूँ तो मेरी बड़ी बहन आ जाती है मेरे पास, मेरी दूसरी बहन भी आ जाती है, सब मिलके उनके बीच में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर हंसी मजाक हम लोग करते हैं, और हमारी मजाक भी वही होती है अब्बा अम्मा को याद करके। अच्छा। वो लोग भी अब्बा अम्मा को याद करते हैं, मैं भी याद करती हूँ कि ऐसे करके वो ये बात करते थे, ऐसे ये करते थे। फिर बड़ी बहने कहते हैं कि सबसे ज्यादा धुलाई अब्बा ने इसी को किया है। लेकिन एक मैं जरूर, मैं इस इंटरव्यू के जरिए और जितनी वैसे इंटरव्यूज आपके देखे हैं, पढ़े हैं, आपके बारे में जाने, फैमिली ओरिएंटेड है, रिश्तों को जोड़ के रखना चाहती है। अगर कोई गलती अगला कर भी रहा है अपनों में से भी, तो उसको भी दरगुजर कर देंगे कि ताकि वो रिश्तों में तनाव ना हो और दूरियां ना पैदा हो। यही सुकून उनके चेहरे पे नजर भी आ रहा है, ये आपके सुकून के लिए। अगर आप माफ करना सीख लीजिएगा, और हर गलती को ये सोच के नहीं कीजिएगा कि शायद इस गलती के वजह से अल्लाह आपको माफ कर दे, तो आप बहुत सारी गलती करने से भी बच जाएंगे। लेकिन आपा, नहीं दिल करता माफ करने को, कैसे ज़र्फ कैसे पैदा करें? बहुत बड़ा ज़र्फ, बहुत ज़र्फ चाहिए होता है। मैं तो बड़ी बड़ी गलतियां मैं माफ करके बैठी हुई हूँ। मुझे, मैं कहती हूँ, अगर मैं माफ नहीं करती तो फिर मैं मुसलमान नहीं हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ब्लेसिंग है, बड़ी बात है। अपा थैंक यू सो मच। आपके सर पे हाथ फेरे पहले, दुआएं आपकी आ जाए। एक सेकंड जी, शदीद दुआएं की जरूरत। आप इधर आ जाए, आप तो रोना भी शुरू हो गई थी, मैं इधर आ जाती हूँ एक सेकंड, ताकि हम तो जो खुद से मिलवाया है आज। चलिए अब आप दुआएं दें पहले, सर पे हाथ फेरे, एक पप्पी भी करें इधर, हाँ ये चले, गले भी मिल लें। और चले भाई, ये हो गया, जीती रहे, खुश रहे, इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह गाती रहे। सामिया कुछ कहना चाहेंगी? हम कह नहीं सकते, हमें सुनना है प्लीज। अच्छा भाई, अब मर्दाना सी फरमाइश आ रही है हमारी, अच्छा। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए आजकल, ये जनाना लोग कभी है जना...